हेलो, कम अगेन एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं अपने वार्डरोब की क्लीनिंग कर रही थी और अच्छे से डीप क्लीन कर रही थी। वैसे तो लगभग ऑर्गेनाइज था और काफी टाइम हो गया मुझे इसे डीप क्लीन करे हुए, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स ऑब्वियसली आ ही जाते हैं, आप कितनी भी कोशिश करें लेकिन आ जाते हैं। तो मैंने अपने वार्डरोब को पूरा ऑर्गेनाइज करके और फिर क्लीनिंग की है, तो वही चीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे रूम की क्लीनिंग पहले ही हो चुकी थी, वो व्लॉग भी मैं जल्दी डाल चुकी होंगी, ये वीडियो आएगा उससे पहले तो मैं डाल चुकी होंगी। और मैंने सोचा था वार्डरोब क्लीनिंग का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, ताकि और भी जिन्हें भी क्लीनिंग करनी है या जो भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने में, उन सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, अब धीरे धीरे विंटर्स आ रही है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया था, तो मैंने विंटर वियर्स, क्योंकि गर्मी आने वाली थी, तो सारे विंटर वियर्स को मैंने ऊपर रख दिया था। लेकिन अब वापस विंटर आने वाली है, तो जो अननेसेसरी चीज़ें, जो सीजन में काम नहीं आने वाली चीज़ें, उन्हें मैं वापस ऊपर रख दूंगी। और जो मेरी डेली की लाइक स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं, और मैं अपने वार्डरोब के साथ साथ इनके वार्डरोब को भी क्लीन कर रही हूँ, तो वो वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैं कैसे डीप क्लीन करती हूँ, कैसे अपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ और कौन सी चीज़ कहाँ पर। इनको तो पूछ के रख दे ना, इस पे से पूछ दे, नहीं जाएगा। इसमें थोड़ा सा सामान भी है। हाँ, जैसे रखी हुई थी वो ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। पीछे से कर दे पहले। नहीं नहीं कुलदीप, उसके ऊपर ही रख, जैसे रखी हुई थी ना, हाँ ऐसे, ताकि इधर जगह मिल जाए। हाँ, तो अभी मैंने जो मेरी वार्डरोब है और वो वाली उनकी इनकी वार्डरोब है, तो उसका जो ऊपर का जो सामान था, वहां पे सारे विंटर वेयर्स रखे हुए थे। एक मिनट में बताती हूँ आपको। यहाँ पर ऊपर सारे विंटर वेयर्स रखे हुए थे इनके, और अब विंटर आ चुकी है हल्की हल्की सी,
तो मैंने और यहाँ पे इनकी शेरवानी जैकेट्स वगैरह रखी हुई थी, तो अब इनका कोई काम नहीं इसलिए मैंने वो ऊपर रखवा दिए और विंटर वेयर सारे उतरवा दिए और अब हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन मुझे ऊपर हाइट से डर लगता है इसलिए मैं ऊपर नहीं चढ़ती हूँ। ये जो लड़का था ये हमारा हेल्पर है, तो मैंने इसको बोला यार तू उतार दे, मैं तेरे को बताती हूँ ऐसे ऑर्गेनाइज कर देना। और यहाँ पे ये वाली मेरी साइड है, तो मैंने यहाँ का सारा सामान बेड पे निकाल दिया है, मेरी सारीज है। और ये इतने सारे इनके विंटर वियर्स हैं, पता नहीं इतने का क्या करेंगे। और ये मेरा सारा सामान है वो भी, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगी ऑर्गेनाइज। और मैंने भी वो मेरी दोनों ट्रॉलीज को अच्छे से क्लीन करवा के रख दिया है, वो सारे मेरे स्टिच करवाने के सूट हैं, तो अब मैं इसे अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ और ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो ये सारी मेरी साड़ियाँ हैं और साड़ियाँ बहुत सारी हो गई है और इनके जो मतलब हैंगर्स है वो कम है, तो मैंने एक हैंगर्स में दो दो इस तरीके से साड़ी कुछ कुछ लगाई हुई है। तो मुझे इसलिए लेवेंडर कलर के ही हैंगर्स चाहिए, इसलिए मैं और जहाँ से लेकर आई हूँ वहीं से लाऊंगी, अदरवाइज मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती थी। लेकिन मुझे इस लेवेंडर कलर में वो और मिले नहीं, अवेलेबल नहीं हुए, क्योंकि अगर ये सारे एक ही कलर के होंगे तब भी थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे ऐसे सब चीज़ें एक जैसी होना, तो देखने में अच्छा लगता है। इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक हैंगर में दो साड़ीज अटैच कर रखी है। तो सबसे पहले हम साड़ीज को अच्छे से अरेंज कर देते हैं और अपने हेयर्स को टाई कर लेती हूँ, ठीक है। और अब अपनी साड़ी को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें कुछ दो चार ऐसे भी हैंगर्स हैं जो डिफरेंट कलर के हैं, जब मैं नए ले आऊँगी तो मैं इन्हें हटा दूँगी। तो सबसे पहले ये थोड़ी सी वर्क वाली साड़ीज हैं, ये पुरानी, इसमें भी मैंने दो साड़ीज अटैच कर रखी हैं। तो सबसे पहले मैं इसे लगा देती हूँ क्योंकि ये हम कभी कभी पहनते हैं, तो मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ, फिर मैं कलर वाइज अपनी साड़ीज को लगाऊँगी। सो बेसिकली मेरी जो वार्डरोब है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो चुकी है और फुली क्लीन्ड भी है। और सबसे पहले मैं बता दूँ तो वही वहाँ पे दोनों मेरी ट्रॉली है, वन स्टिच क्लोथ्स है जो मुझे स्टिच कराने हैं, ये मेरी सारी साड़ीज हैं, और ये मेरे डेली के बैग से जो मैं चेंज करके यूज़ करती रहती हूँ, यहाँ पे सारा बैंगल्स का कलेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पे मेरे सारे अंडरगारमेंट्स हैं और इधर मेरी सारी क्लचेस और पॉटली बैग्स और ये सारे हैं।
एंड देन नीचे जो मैं कभी कभी ड्रेसेस पहनती हूँ वो है, और यहाँ पे सारे मेरे बेडशीट है, वो भी बेडशीट है, कुछ डेली वेयर्स हैं लाइक लोवर्स नाइटीज़ वगैरह, और ये मेरे ब्लाउज पेटीकोट्स हैं, और मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही रखती हूँ। इसके अंदर है मेरे डेली के सारे कपड़े, तो बेसिकली मैं यहाँ पे सारी वही चीज़ रखती हूँ जो मैं कभी कभी पहनती हूँ, बाकी की मैं जो डेली वेयर्स हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ। और ये हमारा जो पूरा वार्डरोब है वो अच्छे से क्लीन हो गया और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, और सिर्फ मुझे ये हैंगर्स चेंज करने जो ये बीच बीच में जो आपको दिख रहे हैं, और मुझे इनमें से जो डबल साड़ीज़ हैं उन्हें निकाल के अच्छे से सारी साड़ीज़ को रखना है। अभी मैंने फटाफट से ये साड़ीज़ को ऐसे ही हैंग कर दिया, वरना मैं रात में इन्हें अच्छे से हैंग करूँगी प्रॉपरली, ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा है।